जब जेडीयू को अलग धर्म कोड मिल सकता है तो आदिवासी इस देश में जेडीयू से अधिक ऐसे कोई अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता है। आदिवासियों के लिए अलग पहचान हमें चाहिए ताकि हमारी वजूद बच सके। रिपोर्ट पारित करके भेजा है जहां पर इस देश के अंदर में इस राज्य में जो जेडीयू का हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है उनका पवित्र स्थल है, हम उनके समाज को सम्मान करते हैं। जब जेडीयू को अलग धर्म कोड मिल सकता है तो आदिवासी इस देश में जेडीयू से अधिक ऐसे कोई अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता है। नहीं करो, हमने सरना कोड बनाया, पूरे देश के आदिवासियों को एकत्रित करो, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि सरना कोड होगा कि आपको आदिवासियों के लिए अलग पहचान हमें चाहिए ताकि हमारी वजूद बच सके। आज पूरे देश में गैर भाजपा शासित जहां भी इनके विरोधी है सबके ऊपर जो झूठे मुकदमे करके लोगों को परेशान और तबाह किए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन संस्थाओं को लगातार बता रही है लेकिन इनके काम में क्यों नहीं रहे, चूंकि अभी लाठी उसके हाथ में जैसा चाहे तो वैसा मान लेंगे। न कायदा न कानून, सब ताक पर रखकर के काम किया जा रहा है। आज देख लो, हक अधिकार तो अलग विषय है, आम जिंदगी देख लीजिए, जो ये लोग बोलते थे महिलाओं के आंख के आंसू देख करके हमको बहुत तकलीफ होता है, मुफ्त में सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया, अब कितना महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है मुफ्त में बताओ, अब महिलाओं के आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहे, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में भी नहीं मिलता, 5 टका प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है, 5 रुपया का नमक आज 50 रुपया किलो मिल रहा है, गरीब गुरुवार ने खाने से पहले साग सब्जी गायब किया, दाल गायब कर दिया, अब चावल भी गायब, खाली थाली लेके बैठी, देश को भूखमरी की ओर ले जाने का बहुत बड़ा संयंत्र चल रहा है। आप सड़क पर नहीं चल सकेंगे आने वाला समय में, समुद्र का रास्ता भी इन लोगों ने बेच दिया, हवाई मार्ग भी इन लोगों ने बेच दिया, और सड़क में तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर टिकट काटने वाला बड़ा बड़ा